बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए हैं अली खान ऑटो कंपनी पे, हमारे साथ मौजूद हैं अली भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम नुमान भाई। क्या गिफ्ट लेके आए हैं? अपने तमाम व्यूअर्स के लिए, खास तौर पे उन खवातीन के लिए जिनको बैलेंस का इशू था, उन बुजुर्गों के लिए कि जो के थ्री व्हील स्कूटीज डिमांड करते थे, जो के टू व्हील नहीं चला पाते थे, उन स्पेशल पर्सन के लिए जो के टू व्हील के ऊपर अपने आप को राइड नहीं करवा सकते, खुद राइड नहीं कर सकते, और उन किड्स के लिए जो के जिनके पेरेंट्स थोड़े परेशान होते हैं कि वो टू व्हील से गिर ना जाए, तो उन सब के लिए हमारे पास एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट आया है जो कि हर बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, बुजुर्ग, खवातीन, मेल, फीमेल, सब के लिए है और बेस्ट ऑप्शन है। बच्चे बड़े सब चला सकते हैं। आ चुकी है अली खान ऑटो कंपनी के ऊपर थ्री व्हील स्कूटी मेट्रो A7। ये मॉडल है, बेसिकली याडिया ब्रांड है जो कि वर्ल्ड वाइड है। मोर देन 85 से 95 कंट्रीज के अंदर आपको इनके प्रोडक्ट्स मिलते हैं। पाकिस्तान में भी ये कंपनी खुद आ चुकी है याडिया के नाम से ही, और इसका A7 मॉडल जो कि मेट्रो कंपनी ने लॉन्च किया है आपके सामने है। इसमें आपको थ्री कलर्स मिल जाएंगे। थर्ड कलर हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक है, जिसमें इस टाइम आप देख रहे हैं ऑफ व्हाइट कलर, पर्पल, लाइट पर्पल कलर है, बहुत डार्क नहीं है, बहुत खूबसूरत कलर है। तो दोनों कलर्स इस टाइम हमारे पास अवेलेबल है स्टॉक में। इनकी क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या प्राइस है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अच्छा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैंने पूछा था यादिया ब्रांड तो भाई भी बहुत इस वक्त फेमस हो चुका है, पाकिस्तान में भी इन्होंने एंट्री कर ली है। बिल्कुल। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि ये तो डिसेबल पर्सन भी चला सकते हैं, उनके लिए बिल्कुल बिल्कुल डिसेबल पर्सन चला सकते हैं, बच्चे चला सकते हैं, बूढ़े, बुजुर्ग सब चला सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास ऐसे मेल आते हैं जो कहते हैं कि हमारे वालिद साहब के लिए उन्होंने स्कूल जाना है, कहीं मदरसे जाना है, मस्जिद जाना है, और इसके अलावा कोई डेली रूटीन ऑफ वर्क के लिए उनको एक ऐसा बाइक चाहिए जिससे जिससे कोई खतरा ना हो, जिसको इजीली वो चला ले, कन्वीनियंट हो। बिल्कुल। तो उनके सब के लिए हमारे पास ये थ्री व्हील स्कूटी आ चुकी है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसका। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है आज का ये रिव्यू। आज सबसे पहले अपने फ्रंट को हम इसका 360 दिखाते हैं। फ्रंट आपने इसका देख लिया है जो कि इसकी एक लाइट, जैसे कि इसके ऊपर ये सिंबल मेंशन है जो कि याडिया कंपनी का पेटेंट लोगो है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर याडिया का अपना ब्रांड लोगो मेंशन है, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एलईडी वाइट ब्राइट लाइट मिल जाती है, लो और हाई बीम आपको मिल जाती है। 360 दिखाते हैं और साइड से भी आपको इसकी लुक बताते हैं। आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत शेप के साथ इस टाइम पे अली खान ऑटो कंपनी में A7 मॉडल आ चुका है जो कि थ्री व्हील स्कूटी है। आप देखें इसकी बैक साइड को भी बल्कि देखें, और इसके जो रियर इंडिकेटर्स हैं वो भी इसके मड गार्ड के ऊपर हमारे पास अवेलेबल है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत एलईडी लाइट्स के साथ है, और ये इसका मेन मोटर बॉक्स है। बैक साइड में भी इसका याडिया का लोगो है। लेफ्ट साइड से भी हम अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं, आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे भी इसकी आपको तमाम लुक नजर आ जाएगी। पाँव रखने के लिए आपके पास जो स्पेस है वो भी आपको नजर आएगी। तो आपने ये देख लिया इसका 360। अब वन बाय वन आपको इसकी तमाम स्पेसिफिकेशंस दिखाते हैं, बताते हैं, और चलते हैं मीटर की जानिब। सबसे पहले तो ये हम लोग इसका स्विच फ्रेंड्स ऑन करने लगे हैं। स्विच ऑन होते हुए सारे ऑप्शंस फीचर्स इसके आपके बिल्कुल सामने आ जाएंगे। अब आप इसमें देख सकते हैं, आपने इसकी लाइट्स देखनी है। सबसे पहले रेड, व्हाइट और ये ग्रीन साइड पे लाइट्स जो है ये रीजनरेटिव टेक्नोलॉजी के साथ है। जब आपने इसको रेस देना है और रेस देके जब आप इसको छोड़ देंगे तो जब ये चल रही होगी खुद, तो साथ साथ अपनी बैटरी को रिचार्ज भी करेगी। इसके अलावा जब आप इसकी ब्रेक्स को यूज करेंगे, प्रेस करेंगे, तब भी ये बैटरीज को रिचार्ज करेगी। और इसके अलावा आपको यहाँ पर ये इंडिकेशंस देगी, जब आप व्हाइट और रेड वाली तरफ जाएंगे तो मतलब इसका कि आपकी बैटरी ज्यादा यूज हो रही है, और जब ये ग्रीन लाइट्स ऑन करेगी तो इसका मतलब अब आप ये बैटरीज को रिचार्ज करना इसने शुरू कर दिया है। बैटरी बार्स हमें मिल जाते हैं, पार्किंग का ऑप्शन है, टू लिखा हुआ है, यहाँ से आप इसको वन और टू पे शिफ्ट कर सकते हैं। वन पे आपको टॉप स्पीड 25 देगी, और टू पे शिफ्ट करने पे ये आपको मैक्सिमम स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर देगी। एक दफा जब आप इसको चार्ज करेंगे तो ये आपके 5 से 6 और चार्जिंग टाइम लेगी, और उसके बाद आप 120 किलोमीटर इसको राइड कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पे आप देखें हमारे पास इसका 1-2 जो कि इसके शिफ्ट का ऑप्शन है, जिससे आप इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे इसकी हेडलाइट का ऑप्शन मिल जाता है, और डी और आर जो कि बहुत 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 मजे का इसका फीचर है उन स्पेशल पर्सन के लिए कि जो बाइक पे एक दफा अगर बैठ तो जाए, अगर फॉरवर्ड करें तो कहीं उनको रिवर्स करनी पड़ सकती है, तो वो रिवर्स कैसे करेंगे? जस्ट आपके एक थंब प्रेस करने के ऊपर आप इसको अब रिवर्स कर सकते हैं। आपने आर के बटन को प्रेस करना है
और उसके बाद आप अपनी इस राइड को रिवर्स भी कर सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत कंफर्टेबल है, ऑटोमेटिक है, कोई मुश्किल नहीं है इसको यूज करना। सिर्फ अब आपने रेस देनी और इसको चलाना है, ब्रेक प्रेस करनी है और इसमें रुक जाना है। दोनों साइडों के ऊपर ब्रेक्स के साथ साथ आपको बताता चलो कि हैंड ब्रेक का ऑप्शन भी है। अब आप इसके लिवर्स को प्रेस करके जब इस लॉक को पुश करेंगे तो ये ब्रेक अपने यहाँ पे फ्रीज हो जाएगी, जिससे आपकी जो स्कूटर स्कूटी है वो अब आगे पीछे मूव नहीं करेगी। बिल्कुल जैम हो चुकी है अब आपकी स्कूटी, आप इंक्लाइन या डिक्लाइन पोजिशन पे है तो अब आपकी स्कूटी बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी। इसी के साथ साथ आपके पास यहाँ पर एक स्पेस मिल जाती है जहां पे आप अपना सेलफोन या कोई जरूरी सामान छोटा सा कैरी कर सकते हैं। इसका सीट स्टोरेज स्पेस आपको दिखाते हैं और उसी के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका एक आपको हुक मिल जाता है जहां पे आप 3 to 5 kg वेट भी कैरी कर सकते हैं। इसी के साथ जब हमने इसकी कीज को लेफ्ट साइड रोटेट किया तो इसका बूट ओपन हो गया। यहाँ पे भी आपके पास एक स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाती है जिसमें आपके पास इस टाइम पे 60 वॉट और 4 एम्पीयर का एक चार्जर हमारे पास अवेलेबल है और इसके साथ साथ इसकी टूल किट भी आपको मिल जाती है। तो ये तो आ गई इसके अंदर। और इसके साथ आपको बताएं सबसे मेन चीज और जो मुझे बड़ी खूबसूरत लगी है रिवर्स ऑप्शन के बाद, दूसरी चीज इसकी सीट है जो कि बहुत कंफर्टेबल है। और आप देख सकते हैं कि जो हमारे बड़ी गाड़ियां जो है V8 क्रूजर्स में, प्राडो में जो सीटों के ऊपर कोशिश की हुई होती है, ये सेम उसी मटेरियल का वही लेदर इसके ऊपर लगाया गया है और इसकी फिनिशिंग नेक्स्ट लेवल है। इसी के साथ बच्चों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और यहाँ पर आपको छोटी सीट मिल जाती है जो कि फैमिली के लिए ये एक बहुत बेहतरीन स्कूटी है। जब आप अपने राइड पे जा रहे हैं, कोई किड वगैरह आपको आपके साथ जाना चाहता है तो आप उसको यहाँ पे इजीली बिठा सकते हैं। और इसके ऊपर टू बी वेरी ऑनेस्ट 80 kg वेट भी आप इसमें डाल सकते हैं। अगर कहें तो मैं इसमें खड़ा होकर भी आपको दिखा सकता हूँ कि ये बहुत मजबूत है और बहुत अच्छी क्वालिटी की स्कूटी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आ चुकी है। मजीद इसके बारे में बताएं तो आपको इसके अंदर जो बैटरीज मिल जाती हैं वो 12 वोल्ट और 26 एम्पीयर की इसमें बैटरीज इंस्टॉल है और ग्रेफिन बैटरीज है, याडिया की अपनी है जिनकी 18 मंथ्स वारंटी मिल जाती है। मोटर के हवाले से आपको बताया तो इसकी रियर में हमारे पास मोटर इंस्टॉल है जो कि इस बॉक्स के अंदर है, उसकी भी 18 मंथ्स वारंटी है। और इसी के साथ साथ आपको इसके तमाम पार्ट्स भी मिल जाते हैं। LED इंडिकेटर्स का भी मैंने बताया, जब आप इसको रिवर्स मोड में लेके जाते हैं तो ये ऑटोमेटिक इसके हैजर्ड्स मतलब चारों इशारे एक्टिव हो जाते हैं कि एक अच्छा इंडिकेशन मिल जाता है। खुदा ना खासा जब आप रिवर्स कर रहे हो तो पीछे वाले को भी पता होगा कि बाइक शायद पीछे की तरफ मूव कर रहा है। तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर हमें फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं। मजीद आपको बताऊं तो आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, फ्रंट के ऊपर जो इसके इंडिकेटर्स हैं राउंड शेप में, इससे पहले किसी स्कूटी में नहीं आते थे। अभी आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत और जो अच्छी क्वालिटी के साथ है और फ्लेक्सीबल भी है, टूटने का भी कोई डर खतरा नहीं। आप देख सकते हैं कि मैं इनको मूव कर रहा हूं और जोर से मूव कर रहा हूं लेकिन ये टूट नहीं रहे हैं। फ्रंट पे मैंने आपको इसकी लाइट दिखाया और इसके साथ साथ फ्रंट साइड पे मैं अपने फ्रेंड्स को दिखाता हूं कि जो इसका मड गार्ड है वो काफी ज्यादा कवर्ड है और जो इसकी पेंट जॉब है याडिया स्वीडिश पेंट को पे रिलाई करता है। स्वीडिश पेंट है इनका अपना जो प्लांट है, उसके मुताबिक इनके पार्ट्स पेंट किए जाते हैं जिनपे ग्लॉसी शाइन आप देख सकते हैं, जिसका मेरा ख्याल है मुझे बताने की जरूरत नहीं। फ्रंट पे जो इसकी हमारे पास ब्रेक है वो ड्रम ब्रेक है और इसके लेदर्स भी आपको मिल जाएंगे। टायर साइज आपके माइंड में होगा कि हम लोग इसका टायर साइज जाने तो हम आपको डायरेक्ट इसकी रीडिंग दिखाते हैं। 8 इंच इसका टायर साइज है, 3 इसकी प्रोफाइल है और रियर साइड पे भी जो टायर इसके इंस्टॉल किए गए हैं वो आपको दिखाते हैं कि ये 3 इंच इसकी प्रोफाइल है और 8 इसका जो टायर साइज है। तो इसके शॉक्स के हवाले से भी अगर अपने फ्रेंड्स को दिखाते चलें तो बैक साइड पे आप देखें इसके मोनो शॉक नहीं है बल्कि डुअल शॉक इसमें इंस्टॉल्ड है। वेट के हवाले से बताता चलो अपने फ्रेंड्स को तो आप इसके ऊपर इजीली मोर देन 250 kg वेट डाल सकते हैं और इसको राइड कर सकते हैं। बैक साइड पे आप देखें एक नहायत ही मजबूत और बेहतरीन किस्म की एल्यूमिनियम में इसकी हमारे पास ये बैक रेस्ट मिल जाती है जो कि यहाँ पर इंस्टॉल्ड भी है और इस पर भी आपको फोम लगा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये थी आज की 3 व्हील स्कूटी। इसके बारे में एक और चीज जो अपने फ्रेंड्स को दोबारा से रिपीट कर दूं, आपने इसको 6 से 6.5 घंटे में फुल चार्ज करना है और उसके बाद 120 किलोमीटर चला सकते हैं। बच्चे बड़े बूढ़े जवान स्पेशल पर्सन के लिए एक बेहतरीन है और इसको आपने अब आपको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं। वो खवातीन या वो मर्द हजरात जिनको बैलेंस करने का खतरा था बच्चों के लिए, तो वो भी अब आके इसको आके परचेज कर सकते हैं।
तो जी व्यूअर्स, ये था इसका रिव्यू। अली भाई इनकी प्राइस भी बता दें, प्राइस आपने कहा था। हम अपने फ्रेंड्स को प्राइस भी इसकी बता देते हैं। इसकी जो प्राइस इस टाइम पे मार्केट प्राइस है, बिल्कुल हम लोग आपको डिस्काउंट देते हैं, लेकिन अभी एक न्यू प्रोडक्ट है। हम रिक्वेस्ट भी करेंगे अपनी कंपनी से भी कि हमारे फ्रेंड्स जो कि इसमें डिस्काउंट लेना चाहते हैं, उनके लिए भी कोई ऐसी ऑफर निकाली जाए ताकि हम आप तक भी ये डिस्काउंट लेके आए। तो इस टाइम पे जो इसकी फ्रेंड्स प्राइस है वो 3,60,000 रुपीज है। पूरे पाकिस्तान में आप जहां से भी इसको ऑर्डर करना चाहते हैं, अली खान ऑटो कंपनी के व्हाट्सएप नंबर पे कॉल मैसेज करें और आप इसको जहां भी डिलीवर कराना चाहते हैं डिलीवर करवा सकते हैं। 03125740747 हमारा ऑफिशियल नंबर है। इसी के ऊपर आपको जो भी डिटेल्स चाहिए आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इसकी जो स्पेसिफिकेशंस है मैं लास्ट में आपको फिर से रिपीट कर दूं कि आपने 5 से 6 घंटे में इसको चार्ज करना है और 120 किलोमीटर आपको ये माइलेज दे देती है। 18 मंथ्स की इसकी बैटरी और मोटर की वारंटी है और अदर इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की इसकी 6 मंथ्स की वारंटी भी आपको मिल जाएगी। ऑटो इनसाइड चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।